नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ कमर दर्द से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कमर दर्द किस किस वजह से होता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप अपना इलाज खुद से कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ डाइट बताएंगे ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें, स्वस्थ रख सकें। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, लंबर डिस्क, साइटिका कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो यंगस्टर्स हैं। कमर दर्द किस किस वजह से होता है, इसके कुछ मुख्य कारण हैं जिसमें से सबसे पहले आता है हमारा बिगड़ता हुआ लाइफ स्टाइल, हमारा लॉन्ग पोस्चर, एक ही पोस्चर में घंटों घंटों बैठे रहना, लॉन्ग ड्राइव, घंटों गाड़ियाँ चलाना कंटिन्यू, आजकल के ट्रैफिक में भी घंटों घंटों गाड़ियाँ चलानी पड़ रही हैं, प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से डिस्क का कमज़ोर हो जाना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग ना होना, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कमर में दर्द होता है और हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, उनमें से कुछ तो कॉमन है जैसे स्लिप डिस्क है, लंबर डिस्क है, साइटिका है, सर्वाइकल है, एंकिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्कोलियोसिस है, लिस्थेसिस है, डिस्क डीजेनरेटिव है, ऐसी कई प्रॉब्लम और भी हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल चेंज करके भी मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं और आप अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम आपको पॉइंट्स बताएंगे आज, कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगे। वर्टिब्राज के बीच में डिस्क होता है जिसमें से जेल बाहर निकल आता है, डिस्क में डीजेनरेटिव चेंजेज आने लगते हैं, हमारी प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, मसल्स के वीक होने की वजह से, हमारी पैरों में सुनपन आना चालू हो जाता है, हमारे पैरों में जलन होनी चालू हो जाती है, हमारे पैरों में दर्द होना चालू हो जाता है, इन सब का कारण है डिस्क। अगर डिस्क आपकी कमज़ोर है, जो हड्डियों को मूवमेंट देती है, रीढ़ की हड्डी को मूवमेंट देती है डिस्क, डिस्क अगर कमज़ोर है तो आपको कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उसमें से जेल बाहर निकल आ गया तो स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, कुछ बंदे तो बेड पर भी आ जाते हैं। आप अपना इलाज खुद से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स ही बताएंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है LI4 पॉइंट हाथ पर आता है, हाथ पर, इस पॉइंट पर आपको मसाज करना है, ये पॉइंट दोनों हाथों पर आता है, दोनों हाथों पर प्रेस कर सकते हैं इसको, पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है ये मास्टर पॉइंट का काम करता है, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं, आपको इसमें आराम मिलेगा। कमर दर्द के लिए भी बहुत काम अच्छा काम करता है और पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कमर पर आता है UV25 पर आप इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। सेंटर में कुछ पॉइंट्स आते हैं DU2, DU4, DU3, DU5, जिस एरिया में प्रॉब्लम है उसी एरिया में पॉइंट को प्रेस किया जाता है, कुछ स्टिमुलेट किया जाता है, कुछ निडल लगाई जाती हैं, कुछ मोक्सा किया जाता है, पॉइंट को अलग अलग एक्टिवेट करने के तरीके हैं। एक पॉइंट आता है घुटने के पीछे UV40, इस पॉइंट को आप प्रेस कर सकते हैं। एक पॉइंट आता है UV60 एंकल पर आता है, एंकल पर इस पॉइंट को आप प्रेस कर सकते हैं, कमर दर्द में अच्छा आराम देता है। एक पॉइंट GV30 आता है हिप पर आप इस तरीके से इस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, नीचे की तरफ मसाज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पॉइंट को एक्टिवेट करने के कई सारे तरीके, आप इस एरिया में सिकाई भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके लिए LI4 पॉइंट इसमें सबसे अच्छा पॉइंट रहता है, मास्टर पॉइंट है, बहुत अच्छा काम रहता है। इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज आप करेंगे अपने आप को फिट रख सकते हैं, रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपको कुछ एक्सरसाइज पोज बता रहे हैं। हाथों को नाभि के पीछे रखना है, नाभि के पीछे लॉक करना है, स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, ऊपर की तरफ देखते हुए आगे झुकना है, और इसको होल्ड करके रखना है। जब आप आगे झुकेंगे तो आपको इस जॉइंट से आगे झुकना है, हिप जॉइंट से, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। दोबारा देख लेंगे एक बार, रीढ़ की हड्डी आपको बिल्कुल सीधी रखनी है, आप अगर ऐसे झुकेंगे तो आपको खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ऊपर देखते हुए आपको झुकना है, आपके पूरे थाई में दोनों तरफ आपको खिंचाव आएगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पॉइंट को आप, इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। दूसरा, आप बैक बेंड भी कर सकते हैं, बैलेंस बना के करना है, किसी तरीके का झुकाव नहीं है, किसी तरीके का खिंचाव नहीं है। फॉरवर्ड बेंडिंग आप नहीं करेंगे, उसमें आपको पेन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, आप अगर करेंगे तो अपने रिस्क पे करेंगे, इसमें ज़्यादा आप नहीं जोर देंगे क्योंकि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ भी जाती हैं। ये एक्सरसाइज करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, मसल्स को स्ट्रांग रख सकते हैं। कुछ योगा पोस्चर्स और भी हैं जिनको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। डिस्क को क्या चाहिए होता है, मसल्स को क्या चाहिए होता है, मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है, डिस्क को भी प्रोटीन चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है,
मैग्नीशियम चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है, विटामिन सी चाहिए होता है, विटामिन बी 12 चाहिए होता है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, अगर आप सारी डाइट लेते हैं तो आपकी डिस्क कमज़ोर नहीं होगी, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस कम आएंगे, आप उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके, रेगुलर डाइट मेंटेन करके, रेगुलर पॉइंट को प्रेस करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। इस तरीके से अधिक जानकारी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।